में किस करा है पनाह में दिया है तात। तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी दुल्हन की मांग की सिंदूर की तरह यह आसाम की शोभा है। इसका पवित्र जल लाखों हिंदुस्तानियों को जीवन दान करता है, लेकिन हर साल बारिश के मौसम में यही नदी मौत का पैगाम बन जाती है। इसी तरह 1926 में जब बरसात का मौसम आया, तैयार है, चलो। हमारा गांव तो पानी की भेंट हो चुका है, घड़ी दो घड़ी में यहाँ भी तबाही हो जाएगी। जो बदनसीब पहले ही तबाह हो चुके हैं,
उन्हें बाढ़ क्या तबाह करेगी। तुम लोग तो आ ही गए हो तो इस मासूम बच्ची का ख्याल करो जिसका बाप पहले ही चल बसा और माँ थोड़े ही देर में मुंह मोड़ने वाली है। ऐसा न कहो जानकी बहन, मीता तो हमारी उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमने इसकी सगाई मोहन के साथ की थी। सगाई क्या, मैं तो उसी दिन से इसे अपनी बहू समझने लगा हूँ जिस दिन मैंने इसके बाप से दोनों की शादी करने का वायदा किया। अगर मीता की मांग में सिंदूर देख लो तो मेरा आखिरी वक्त आसान हो जाएगा। कैसी बातें करती हो जानकी बहन, तुम जरूर जल्दी अच्छी हो जाओगी। अगर तुम लोग यही चाहते हो कि मैं कोई दिल पर बोझ लेकर न जाऊं तो अभी इसी वक्त मेरे सामने इन दोनों की शादी कर दो। मगर अभी ये शादी का क्या वक्त है, यहाँ से बचकर कहीं चैन से बैठेंगे वहाँ शादी भी कर देंगे। अगर वहाँ पहुँचने तक जिंदगी ने मेरा साथ न दिया तो देखो थोड़ा सा चाहता है तस्वीर आपकी। पानी ऊंचे पर तक आ चुका है, जल्दी निकलिए, फिर कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब तो तुम्हारी समझ नहीं होगी। चिंता न कीजिए, हम उन्हें ढूंढने पूरी कोशिश करेंगे। इस कैमरे में उनकी तस्वीरें हैं, उनके प्रिंट निकलवा के उनको देखेंगे तो शायद पहचानने में आराम हो जाएगा। ठीक है। जानकी बहन, नीता और मोहन के साथ तुम भी चलेंगे। हमने बहुत तलाश किया मगर अफसोस इन बच्चों का कोई पता नहीं चला। लोग दरिया में से मोती निकालते हैं, हम अपने मोती डुबो चुके। जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी से अपनी पसंद के सांचे ढालता है, कुदरत भी कभी कभी इंसान की तकदीर के साथ ऐसा ही करती है।
14 साल के बाद कलकत्ते शहर में। आज भादों की वही पूर्णमासी है जिसकी तूफानी रात हमारे चांद को ले डूबी। इन 14 वर्षों में किस्मत ने क्या क्या रंग नहीं दिखाए। लूटा हुआ धन हजारों गुना होकर वापस मिला, रूठे हुए दोस्त अपने आप मन गए, खोए हुए संबंधियों ने हमें अपने आप ढूंढ लिया, लेकिन मन का वो गया हुआ चैन जो तुम दोनों अपने साथ ले गए आज तक वापस नहीं मिला। तुम जानते हो वो मन का गया हुआ चैन तुम्हारी माँ अब दौलत से खरीदना चाहती। 900 रुपया क्या न रो तुम बेटा, मन का चैन 900,000 में मिले तो भी सस्ता है। ओह डैडी, माय डैडी, डैडी प्लीज टू मीट यू। ये 900 रुपए तो सिर्फ कहने सुनने की बात है, पसंद आई हुई जोड़ी को हम अपनी बहू और बेटे की तरह से रखें। शौक से रखिए डैडी, शौक से रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। क्यों उर्मिला, हम भी आप लोगों को अपने माँ बाप की तरह रखेंगे अगर आपको एतराज ना हो तो। ये बात नहीं है नरोत्तम बेटा, हम तुमसे पहले किसी और को जबान दे चुके हैं। जबान वापस ले लीजिए माता जी। अरे जिसको जबान दे चुके हैं उसकी जबान का कुछ भरोसा नहीं। 3 दफे वादे कर चुका है, कभी उसकी बीवी के सर में दर्द होता है, कभी उसकी बीवी मैके जाती है, कभी यह है कभी वो है। अब उनका ध्यान छोड़ो, इन्हीं को अपना लो। जी आप अपने दिल से कह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल दिल से कह रहे हैं। बाय द वे मेरी वाइफ का सर भी नहीं दुखता, ये कभी मायके भी नहीं जाती, और हम 900 के बदले 700 रुपए महीने पर भी तैयार हैं। रुपए की बात नहीं है बेटा, न जाने क्यों मुझे उत्तम के वायदे पर इतबार आ जाता है। मेरा मन कहता है कि आज उत्तम जरूर आएगा और अपनी बीवी के साथ। तुम्हारा मन तो पहले भी यही कहता था। खैर अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो आज शाम तक इंतजार कर लो, अगर वो लोग ना आए तो हम कल तुम्हें बुला लेंगे। बुलाने की तकलीफ क्यों करते हैं डैडी, कल तक हम यही क्यों ना ठहर जाए। नहीं नहीं नहीं, ठहरने की जरूरत नहीं है, तुम घर जाके आराम करो। आपका हुक्म सर आंखों पर डैडी, लेकिन आराम तो हमें आपके चरणों में ही मिलता है। चलो मिला गो। नमस्ते माता जी। नमस्ते डैडी। जी करो। देवकी तुम पर मुझे कभी दया आई? अरे भाई खोए हुए राम और सीता का बहरूप बनाकर ही अपना मन समझाना है तो क्या उत्तम और क्या नरोत्तम? ऐसा ना कहिए, न जाने क्यों मुझे उत्तम में अपना मोहन दिखाई देता है। कल को तुम ये कहोगी कि उत्तम की बीवी में तुम्हें अपने मीता दिखाई देती। जरूरत है एक खूबसूरत नौजवान लड़की की जो नाचने में विजयंती माला, गाने में लता मंगेशकर और एक्टिंग में मधुबाला को मात कर सके। अरे वाह है, नजराना 450 महाना। 450 नहीं रुपा दीदी, 250, सिर्फ 250। 250 नहीं मीता, 450। ये नई नौकरी का इश्तिहार है, और तू तू तो केकी मंजिल वाली नौकरी के ख्वाब देख रही है। क्यों ना देखूं, कल फटाफट इंटरव्यू हो गया और आज शाम को 5 बजे अपॉइंटमेंट लेके मिल जाएगा। अरे पगली, उस लेटर वाली नौकरी से तो ये नौकरी कहीं बेटर है। ये देख, नाचने में बैठी थी माला। लता मंगेशकर। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने को। और एक्टिंग में मधुबाला, मैं अफसाना नहीं हकीकत हूँ, हकीकत। ये भी कोई दीवाना है? अरे ऐसा दीवाना तो किस्मत से मिलता है मीता। चल छुट्टी में तैयार हो जा, अभी जाएगी तो 10 बजे तक तो पहुंच ही जाएगी। अब
कौन जाएगा खाक छानने? नौकरी तो मिल ही गई है। अरे वो नौकरी छीन तो नहीं जाएगी, वहाँ तो 5 बजे जाना है। इधर किस्मत लड़ गई तो हर्जी क्या है, कहाँ 250 और कहाँ 450। वारी कुदरत, हाथ और पैर में भी कितना फर्क है। पैर नाचे तो 450, और मैं जो दफ्तर में महीने भर उंगलियां टाइपराइटर पर नचाती रहूं तो सिर्फ 200। अरे तू अभी तक लेती है? चल उठ, जल्दी से तैयार हो जा मेरी बच्ची। बच्ची? मैं क्या बच्ची हूँ? मैंने कहा भैया जी, यहाँ कोई उत्तम कुमार परवाना करके रहते? अरे वो तो यहाँ का नंबर ही सेठ है, 6 महीना हमारा दूध पी गए, जब झूठा वादा करके हमको खून पीता है हमारा। अच्छा तो आप हैं वो बीबी जी, हम तो तुम्हारे मरद का बिल्कुल बिना समझा पाए हैं। पर उत्तम बाबू तो सच्चे कहा थे कि हमारी बीबी आई है मुल्क से पैसा लेके। मगर अगर कुछ नहीं बीबी, पंजा का दूध लेके ऊपर हमारी जिदा सब चुपता कह दियो, हम लोग मुल्क जाना है अपनी जोरुक का। हाँ देखो खान, आज उत्तम के आने तक यही ठहरो, और अगर वो किराया ना दे तो उसका सामान उठा के थाने पर फेंक दो। वो सोचे थे तो उसका बहादुर को भी बाहर फेंक देगा, लेकिन वो संजीव का बच्चा रास्ते में हत्या कर रहे हैं। ओ पति ठहरो, से उत्तम का बीवी आ गया, ठहरो ठहरो, से किराया देके जाओ ठहरो। बच्चा चला गया और मैं भी चली। ओहो, आप कहाँ जा रही हैं बीबी जी? हमारे बॉस उत्तम बाबू को नहीं मिलेंगे? मिले बगैर दर्शन हो गए उनके। अजी उनके दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन मुझे तो हंसी आती है आपके भोलेपन पर। मालूम होता है आपने हमारे इस किराए के किस्से को सब जान लिया, ये तो हमारे ड्रामे की सिर्फ ग्रैंड रिहर्सल थी। हाँ हाँ, और वो दूध वाला भैया भी रिहर्सल कर रहा है रास्ते में। दूध वाला भैया क्या, आपको तो 5 बीड़ी वाले बड़े मियाँ भी मिले होंगे, ये सब हमारे ड्रामे के माइनर कैरेक्टर्स हैं। हाँ हाँ, जिसके उत्तम बाबू ही इज द चीफ डायरेक्टर एंड आई एम द असिस्टेंट डायरेक्टर, और मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है कि आप उनका इश्तिहार पढ़ के यहाँ नौकरी के लिए आई है। जी हाँ, लेकिन इश्तिहार में तो लिखा था स्वर्ग निवास, तो क्या यही स्वर्ग निवास है? बात यह है, मेरे पिताजी का स्वर्गवास यहाँ हुआ था, तभी से मेरे बॉस ने उनकी काइंड मेमोरी में इस जगह का नाम स्वर्ग निवास रख दिया है। अच्छा तो आपके बॉस कहाँ मिलेंगे? हेड ऑफिस में, दिस इज अवर ब्रांच ऑफिस, आइए आपको ले चलूँ। टैक्सी, हरी अप। प्लीज कम सरदार जी, कितने पैसे हो गए? 12 नहीं, कितने हो गए? सत श्री अकाल। ये है, ये तो ड्रामेटिक हॉल है। जी हाँ, बात यह है इस हॉल का हाल कुछ पतला है, इसलिए हमारे बॉस ने इसे दिन के लिए किराए पर ले रखा है। ही इज पेइंग वेरी हैवी किराया फॉर इट। आप छोड़िए इन बातों को, आइए हमारे साथ, आइए। आइए मैडम, आइए आइए आइए, न्यू वे। मगर हम मेन गेट से क्यों नहीं जाते? ओह मैडम, आप समझती नहीं, बात यह है मेन गेट हमेशा बंद रहता है क्योंकि लड़कियां डिस्टर्ब करने से बाज नहीं आती, इसलिए हमारे बॉस खुद भी इसी चोर दरवाजे से आते और जाते हैं। आइए हम भी चले, आइए आइए, यू विल लाइक इट, डरिए मत। ओह कमर टूट गई, आइए आइए, घबराइए नहीं, मेरे साथ आइए, गिव मी योर हैंड, आइए आइए, सी व्हाट अ जॉली गुड प्लेस। ओ मैं साहब, उधर नहीं इधर, आइए आइए प्लीज आइए। वो देखिए वो सो रहे हैं, आपके होने वाले बॉस, सी हिज पर्सनैलिटी, गॉड ब्लेस हिम। ये कौन सा वक्त है सोने का?
मेन साहब, आर्टिस्ट और चोर अक्सर रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, और हमारे बॉस तो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि दिन रात सोते हैं। तो फिर जागते कब हैं? जब आप जगाएंगी। मैं? हाँ? मैंने कहा परवाना साहब। ऐसे जगा कर तो 250 लड़कियां फेल हो चुकी है टेस्ट में। क्या मतलब? हाँ मेम साहब, इम्तिहान से पहले स्टूडेंट को उसका पर्चा बता देना है तो कानून के खिलाफ, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं आपके लिए सब कानून तोड़ दूँ। मैं चाहता हूँ आपको ये नौकरी मिल जाए, इसलिए अर्ज है कि कलाकार को कलाकारी से जगाइए। मेरा मतलब है कि आँखों में मस्ती, गले में सोच और पाँव में पायल की झंकार की आवाज से यूं नाचिए। लीजिए। ये किस लिए? सोजन, आवाज तो आपके पास है ही, ये सास के लिए। अच्छा, तो ये बात है? यही तो बात है मेम साहब, अगर पायल की झंकार सुनकर बॉस जाग जाए तो समझिए चार आने काम बन गया, और अगर आवाज सुनकर आपकी तरफ खिंचके आ जाए तो 8 आने, और अगर आपको देख के मुस्करा दे तो 12 आने, और अगर झूम कर मस्त होकर खुद गाने लग जाए तो बस फिर कहना ही क्या, बात क्या, आपकी नौकरी पक्की। बस इतनी सी बात? तो फिर जगाइए साहब, मैं सो जगाती हूँ। ओके ओके।
कदमों पे झुके जाता है, जाने क्यों दिल मेरा कदमों पे झुके जाता है। कोई बिछड़ा हुआ साथी मुझे याद आता है, ये मिलन प्यार भरा किस लिए तड़पाता है। हमने देखा है तुम्हें निकल आई है। हमने देखा है तुम्हें है। खींच लूं तस्वीर आपकी। जी शुक्रिया। न जाने क्यों पहली नजर में आपको देखकर खो गया। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको जन्म जन्म से जानता हूं। आपको देखते ही मेरे दिल में शहनाइयां बज उठी, पांव खुद ब खुद नाचने लगे। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं। शायद मैंने भी कोई सपना देखा था, और उस सपने में देखी हुई वो सूरत जिसकी परछाई अभी तक मेरे दिल में तैर रही है, वो सूरत आपसे बहुत मिलती जुलती है। ये आपका वहम है। काश मैं इस वहम को सच बना सकता। कई साल की है उम्र तुम्हारी जो ये पूछा, वो कहने लगे चार मिला दीजिए दस में। चार नहीं सात मिलाइए दस में। चश्मे बद्दूर, इसका ये मतलब हुआ कि आप 17 बरस की हैं? जी हाँ। फिर तो मैं आपसे 2 बरस छोटा हूँ। आप मजाक फरमा रहे हैं मुझसे? जी मजाक तो कुदरत ने मुझसे फरमाया है। मेरे बापूजी कहते थे जब मैं 4-5 साल का था तो उन्होंने मुझे एक ऐसे हादसे से बचाया था जिससे मैंने एक नया जन्म लिया। तो आपने उसी दिन अपना जन्मदिन मना लिया? जब उससे पहले का मुझे कुछ होश ही नहीं रहा और सब कुछ भूल भाग गया तो उस उम्र में क्यों गिना जाए, इसलिए हुआ ना मैं 15 बरस का। वाकई आप बड़े दिलचस्प मालूम होते हैं, लेकिन वो नौकरी क्या है? अरे हाँ, नौकरी तो भूल ही गया। नौकरी के लिए आप डांस में तो पास हो गई, अब रहा रोमांस। रोमांस? जी हाँ, इश्क को मोहब्बत। सचमुच आप और आपकी बातें बड़ी दिलचस्प है। उम्मीद है कि नौकरी भी इतनी दिलचस्प होगी। बेशक बेशक, आइए चलिए। कहाँ? चीफ एग्जामिनर के पास। आप जरा यहाँ ठहरिए, मैं अभी उन्हें बुला के ले आता हूँ। आज बहू को लेकर जरूर आएगा। कहाँ है बहू? जी वो बाहर बरामदे में। बहू? अरे तुम कैसे लड़के हो, बहू को बाहर क्यों छोड़ा है? अच्छा ये तो किया, शगुन के बगैर बहू अंदर कैसे आएगी? जी माँ जी आप कहाँ चली?
मेरी बात सुन लीजिए। वो तुम्हारी बातें सुनते सुनते तो ये दिन आ गया, हम तो बहू को देखेंगे। जरा ठहरिए आप लोग, मैं मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा कि वो क्या बात है बेटा, तुम इतने क्या हुआ क्या? क्या तुम्हारी बहू को नौकरी पसंद नहीं है? जी बहुत पसंद है, वो तो मुझे लेकर आई है। वो तो मैंने क्या, जी हाँ चक्कर तो तुम यहाँ के काट रहे थे। अच्छा सुन सुन, तुम इतने घबराए हुए क्यों? बीवी में झगड़ा हो गया है? जी हुआ नहीं, लेकिन शायद हो ना जाए। आप शकुन तैयार कीजिए, मैं उन्हें तैयार करके अंदर ले आता हूँ। मैंने कहा जी, मैंने सुन लिया जी। सुनिए सुनिए, ये आवाज कैसी थी? जी वो आपकी बहू ने यहाँ आने की खुशी में एक पटाखा छोड़ा था। लेकिन बेटा बहू चली क्यों गई? क्या बताऊं माँ जी, जब से उनकी गोद खाली हुई है मिजाज कुछ चिड़चिड़ा हो गया। गोद खाली हुई है कब? जी वो पिछले साल। लड़का के लड़की? शायद लड़का, मेरा मतलब है मैं पूछ के बताता, मैं भी पूछ के बताता। घबराहट में तुम्हारा उत्तम बैठ गया। बेटा तुम बहू को वापस ले आओ, मैं उसे समझा दूंगी। तुम अभी बूढ़े थोड़ा ही हुए हो, भगवान और बच्चा देगा। बच्चा तो दे देगा लेकिन वो तो चली गई। मेरा मतलब है मैं उसे समझा के ले आता हूँ माँ जी। जाने से पहले सुनते जाओ, अगर आज तुम्हारी बीवी नहीं आई तो कल ये जगह किसी और को दे दी जाएगी। लेकिन आप ऐसे मत कहिए। चुप रहो देविका, हर एक बात की हद होती है। आज रात को 12 बजे तक अगर तुम बीवी को नहीं लाए तो इस घर के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे हमेशा के लिए। सेठ जी आप इत्मीनान रखिए, दरवाजे बंद होने की नौबत ही नहीं आने दूंगा। आप इत्मीनान रखिए। रिक्शा वाले बादशाह जरा गरीबों से तरस खाओ, रिक्शा नु मोटर ना बनाओ। रिक्शा वाले बीजी मुझे भैया बंद थक जाएगा, मैं रिक्शा रोक दूं। अच्छा मैं पानी पी जाता हूं। सरदार जी कमाल है, घोड़े नु भी पीछे छड़ गए। आई एम सॉरी, दरअसल बात ये हुई कि वो ड्रामे की रियल सेल्फ थी। बस कुछ ऐसा ही समझिए, दरअसल बात ये हुई कि उन बेचारों को बुढ़ापे में चाहिए था सहारा और मुझे गुजारा, इसलिए उन्होंने एक नौजवान मियां बीवी को साथ रखने का इश्तार दिया। इधर मैं सिर्फ मियां ही मियां, इसलिए मैंने भी एक इश्तार दिया बीवी के लिए। 420 नहीं 450, वैसे नौकरी 900 रुपए की और आपके हिस्से में आते हैं 450 रुपए, मगर आप अगर ये पार्ट प्ले करेंगी तो मैं आपको 500 रुपया दूंगा। मुझे आपकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, चलो रिक्शे वाले जल्दी करो। मेरी बात तो सुनिए, ये 500 रुपए आप। अरे 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 ये वाह रे किस्मत, दुनिया दो दो चार चार बीवियां लिया बैठी हैं, इधर मुझे एक नकली बीवी भी नहीं मिल सकी। हेलो हेलो बॉय, व्हिच बॉय? आई से आई एम अ यंग बॉय, सी मामा तू थैंक यू। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको बहुत बड़ी नौकरी दिला सकता हूँ। मुझे नौकरी नहीं मांगता। लेकिन हम आपको मांगता। ओह शट अप। एक्सक्यूज मी मतलब हो, आपको नौकरी चाहिए? नौकरी कैसी नौकरी? हाँ बहुत अच्छी, 450 रुपए पगार, खाना पीना रहना सब पकड़ नौकरी के लिए और किस चीज के लिए? हाँ। अच्छा क्या नौकरी है? और नौकरी को मारो गोली, ये पूछो पगार क्या है, यू नो 450 रुपए महीना। 450? हाँ बताइए मुझे क्या करना है? करना क्या है आपको? सिर्फ बीवी बनना है। किसकी? वो मेरी बीबी और किसकी, बात ये है एक जगह मियाँ बीबी के लिए नौकरी खाली है, मियाँ तो असली है, आपको नकली बीबी बनना होगा। हाँ। तो आप ये बताइए मियाँ की सेवा अभी से करो या बाद में? नए काम में देर कैसी, मुहूर्त कीजिए। मालूम
होता है कि आप मेरे लेट पहुंचने पे नाराज हैं, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, मैं वक्त पे दफ्तर आया करूंगी। लेकिन आप बोलते क्यों नहीं है? आपने मुझे पहचाना नहीं? कल आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और आज अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बुलाया था। देखिए फोन। हेलो, हाँ है जी, आपका फोन। ऐसी भी जल्दबाजी क्या, फोन करने के बाद हाथ तो धोलिए होते। आप तो यूं भागी जा रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर मेरे चचा का खून किसने किया? उनका खून तो मेरे आने से पहले ही किसी ने कर दिया। गुड, वेरी गुड। हर मुजरम जुर्म करने के बाद यही कहता है, लेकिन आपके इन सुर्ख हाथों को देख कर पुलिस क्या कहेगी? पुलिस बड़ी तेज होती है पुलिस, और उसकी नजर। ओह ओ, लाइए मैं आपका हाथ साफ करूं। मैं बेकसूर हूँ, मैंने खून नहीं किया। ठीक है, लेकिन पुलिस को कौन समझाएगा? अंदर टेलीफोन पर आपकी उंगलियों के निशान, इस रुमाल पर आपके खून आलूदा पंजे के निशान, और आपके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीर। का पता लगाना ही कीजिएगा बापू, आप देख ही रहे हैं मेरा हाल। इतने हाथ पांव मारने के बाद भी अगर नौकरी हाथ ना आए तो क्या करूं? आपकी कसम बापू, मजबूरी ने हाथ रोक ली है। अगर किराया ना देना होता तो इस खान के बच्चे को अफगानिस्तान दिखा देता। सोचे जालिम को बच्चा पहले क्यों नहीं बोला? हम तो खुदा की कसम अफगानिस्तान की सूरत कतर गया। ओ खान, संभालो अपना मकान, अब यह मकान हमारी सूरत को तरसेगा।
खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। कम ऑन माय गुड फ्रेंड, वी आर किक्ड आउट एंड यू गेट आउट और कम समझा। कौन हो तुम? जी आप मैं शांतिलाल, आप नहीं पहचानते मुझे? ठहरो, तुम्हारी सूरत बहुत ही जानी पहचानी है। क्या तुम्हारी कोई बहन है? हाँ हाँ, एक है। उसका नाम है मीता। जी, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मीता ने लड़के के कपड़े पहन लिए। आप ही को क्या, हमारी माँ भी कभी कभी धोखा खा जाती है। मीता मेरी जुड़वा बहन है। जुड़वा? जुड़वा? बाप बड़े मियाँ, हमारे मकान से निकाले जाने पर आपने ये अंदाजा लगा लिया कि हमारी जेब भी खाली है? खैर छोड़िए इन बातों को, दीज आर वेरी ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ लाइफ। लाइए इसी खुशी में एक ऑर्डिनरी सी सिगरेट पिलाइए। लेकिन किबला, ओ किबला, वो भी देता हूँ, आप हद कर रहे हैं। पोस्टमैन, पोस्टमैन, ओहो हेलो पोस्टमैन, क्या हाल है? बहुत दिन के बाद आए। क्या है, हमारे नाम का मनी ऑर्डर है? ये मनी ऑर्डर तो नहीं, अलबत्त आपके नाम का नोटिस है। ओहो नोटिस, किस बेहूदे ने ये नोटिस भेजा है? सुनो, ऐसा करो, इसे हमारे नाम से एक नोटिस भेजो और कहो कि उत्तम बाबू इस मकान को छोड़कर एक शाही महल में चले गए हैं। और सुनो, जब तक कि हमारा नया एड्रेस न मिले, हमारे नाम से कोई भी मनी ऑर्डर आए, या टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर हो, या ड्राफ्ट हो, या और कुछ लॉटरी आ जाए, या कुछ आ जाए, सब बड़े मियां के हवाले किया जाए। ये हमारे पिता के सामान है। अच्छा, खुदा हाफिज। हजरत, अजीब सिगरेट के पैसे तो देते जाइए। बड़े मियाँ, आपको शर्म नहीं आती आपने मेरी बेइज्जती की? मैंने आपके लिए सारे मनी ऑर्डर दे दिए, आप एक सिगरेट के पैसे मांगते? लीजिए पैसे। हाँ 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 हाँ, पहले की तरह मिल जाएंगे। वो भी मिल जाएंगे। ऐसा करिए, एक पूरा डब्बा दीजिए सिगरेट का। कहाँ, जल्दी कीजिए, ये आदमी डब्बा है। और चलेगा। और टैक्सी, आप उत्तम बाबू से मिलने आई है ना? जी हाँ, आपने कैसे जाना? अजी हम सब जानते हैं, यहाँ सब लड़कियाँ हम ही से मिलने आती हैं। आइए आइए। तो क्या आप ही उत्तम बाबू हैं? मैं उत्तम बाबू नहीं हूँ, मैं नरोत्तम बाबू हूँ, लेकिन उत्तम बाबू मुझे प्यार से शर्मिला कहते हैं। आपको कौन सा नाम पसंद है? जी मुझे कोई भी चलेगा। चलेगा ना, लेकिन ये बताइए कि उत्तम बाबू कहाँ रहते हैं? सामने रहते हैं, ये सामने। लेकिन आप वो जरा बाहर गए, आ जाइए आप। आइए 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 आइए। सरदार साहब, मेरे पास 1000 रुपए का नोट है, छुट्टा तो आपके पास होगा नहीं, आप ठहरिए मैं अभी आता हूँ। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, वो अभी आते ही होंगे। आप कोका कोला पिएंगी जी या चाय पिएंगी? नो थैंक्स। ओ गुस्ताखी माफ हो, आप मिसेस हैं या मिस? क्या मतलब? आप समझी नहीं, मेरा मतलब है आप कुमारी हैं या? आपको क्या लगता है? मेरी असिस्टेंट डायरेक्टरी कहती है कि आप कुमारी हैं। वेरी गुड वेरी गुड, अजीब इत्तेफाक है, बिलीव बिलीव इट, मैं भी कुंवारा हूँ, आप ही कुंवारी हैं। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे कुंवारे दो। भाई साहब, क्या आप भी कुंवारे हैं? एक्सक्यूज मी, मैं किसी और को ढूंढ रहा। किसी और को? ओके ओके, ऐसे हो गया। आप मेरे साथ रेस्टोरेंट में घूमने चलेंगे? आइए रूपाजी, प्लीज कम इन, अपना ही घर समझिए, योर ओन हाउस। आपको उत्तम बाबू से अभी मिलाता हूं। किस काम? क्या उत्तम बाबू यहाँ रहते हैं? जी हाँ, कहिए कैसा मकान है? बहुत ही शानदार मकान है। गुड, रूपा जी आप यहाँ रहना पसंद करेंगी?
अजी हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हद हो गई, आपकी किस्मत तो मेरे हाथ में है, आप यहाँ ठहरिए मैं अभी बंदोबस्त करके आता हूँ। डैडी खुशियां मनाइए, घी के दिए जलाइए, शगुन तैयार कीजिए, मैं आपकी बहुरानी को लाया हूँ। फिर कैसे आ गए? टैक्सी से आया हूँ। बहुरानी? मैंने तो तुमसे कहा था कि अगर उत्तम आज नहीं आएगा तो कल तुम्हें बुला लेंगे। डैडी उत्तम नहीं आएगा, मुझे लेट न्यूज से पता चला है कि उसे बीवी नहीं मिल सकी। तुम्हें मिल गई? जी हाँ डेफिनेटली, इसलिए मैं दोबारा आया, मैंने सोचा कि आप बुजुर्गों को रात भर क्यों तड़पाया जाए, इसलिए मैं बहू को अभी ले आया। आप शगुन की तैयारी कीजिए, मैं अभी लेके आता हूँ। रूपा जी हो गया बंदोबस्त। मैंने कहा रूपा जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है जी। तो फिर क्या इरादा है जी, अभी बताऊं जी या बाद में? नेक काम में देर कैसी जी। अच्छा जी। हाँ। आ, आ, मजा आ गया जी। जा रही हूँ। नरोत्तम बेटा, ये आवाज कैसी थी? जी माता जी, आपकी बहू ने यहाँ आने की खुशी में एक मामूली सा पटाखा छोड़ा था। पटाखा? लेकिन वो तो चली गई। क्या बताऊं माता जी, रूपा पहले बहुत हसमुख थी, लेकिन जब से इनकी गोद खाली हुई है इनके मिजाज में कुछ चिड़चिड़ापन आ गया है। लेकिन बेटा, सुबह तो तुम्हारे साथ दूसरी बहू थी। दूसरी? ओह माता जी, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मेरी दो शादियां हुई थी, एक बचपन में एक जवानी में। सुबह जो आई थी वो बचपन वाली थी, और अभी जो गई ये मेरी जवानी की है। शी इज माई लेटेस्ट वाइफ। नौकरी की खातिर कल कहीं तीसरी बुढ़ापे वाली शादी में कर लेना। नहीं माता जी, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। जय हिंद। मेरे पास? जब से आपको देखा है न जाने आप में कुछ अपनापन महसूस होता है मुझे। हाँ हाँ, आज सुबह तुम्हारी बहन भी ये कह रही थी। सच्ची तो कह रही थी वो। तो फिर मुझे चांटा मारकर क्यों चली गई? जरूर आपने कोई बदतमीजी की होगी, फिर भी मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, आई मीन मांगता हूँ। बिल्कुल मीता जैसा चेहरा, वही गुलाबी होंठ, वही नरगिसी आंखें, पर ये तुमने आंखों में काजल क्यों लगा रखा है? जी ये मेरी माँ की आदत थी मुझ में। और ये सुरीली आवाज? ये भी माँ की तरह। और ये नाजुक हाथ? दरअसल बात ये है कि ये मेरी बहन की तरह है। तुमने अपने बाप की तरह भी कुछ है कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उनकी तरह ज्योतिष जानता हूँ। लाइए अपना हाथ। अरे शांतिलाल, अगर तुम ज्योतिष जानते तो अपनी बहन का पता नहीं लगा लेते। सुनिए, ज्योतिषी को अपनी किस्मत का पता नहीं होता। अरे शांतिलाल सो जा, रात बहुत हो गई है। आप सो जाइए, मैं आपके पांव दबा देता हूँ। काश तुम्हारी बहन ये कहती। तो क्या होता? तुम्हें उसका हाथ चूम लेता और उसे समझा बुझा कर अपनी बीवी बनने पर राजी करता और उसे नौकरी पर ले जाता। बगैर शादी के मीता आपकी बीवी कैसे बनती? अरे सचमुच की बीवी नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए एक्टिंग, क्योंकि ये नौकरी सिर्फ मियां बीवी को ही मिल सकती थी। 900 रुपए पगार, खाना पीना रहना फुकट में। रहना फोकट?
मेरा मतलब है उन मियाँ बीवी को क्या वहाँ उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा? उनके साथ रहना ही तो नौकरी है। खाना पीना रहना और एक्टिंग ये तो हो गया, लेकिन रात को सोने का इंतजाम क्या होगा? अव्वल तो इतनी बड़ी नौकरी की खुशी में नींद ही नहीं आएगी, और अगर आएगी तो मीता अपनी जगह और मैं अपनी जगह, दिन को मियाँ भी और रात को अजनबी। रिश्ता फर्जी होगा ना? बिल्कुल फर्जी। वैसे उठने बैठने मिलने जुलने में अगर कोई और बात बन जाए तो किस्मत की मर्जी है। और क्या बात बन सकती है? इश्क मोहब्बत, तुम नहीं समझोगे। हाँ मैं समझता हूँ, आप कहते जाइए। अरे जुमा जुमा आठ दिन की पैदाइश है, मूछें फूटी नहीं, और अभी से इश्क मोहब्बत में दिलचस्पी। मैं ना नहीं सो सकता। क्यों? मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो कपड़े उतार दो। जी। अरे शांतिलाल, मेरा तो जी चाहता है कि तुम्हारे कपड़े खुद और तुम्हें एक साड़ी पहनाकर उस नौकरी के लिए ले जाओ। तुम भाई बहन में कोई फर्क नहीं है, क्या ख्याल है तुम्हारा? ख्याल तो बुरा नहीं। बुरा नहीं, वाह रे उस्ताद, चलो सो जाओ। अब तो ना मीता मिलेगी ना नौकरी, उस घर का दरवाजा बंद होने में अब सिर्फ 20 मिनट बाकी है। 20 मिनट तो बहुत होते हैं, अगर किस्मत खुली है तो ये खुल जाती है। अरे भाई शांतिलाल, कहाँ चले? कपड़े बदल ले। ये जोड़वा भाई बहन भी एक अजीब चीज होती है, एक की आदत दूसरे में आ जाती है। रंगीला मौसम लेके चला एक दुल्हन, शो हसीना मुस्कुरा दी, शो हसीना मुस्कुरा दी, आज खुदा की कसम। रंग रंगीला मौसम लेके चला एक दुल्हन, शो हसीना मुस्कुरा दी, शो हसीना मुस्कुरा दी, आज खुदा की कसम। रंग रंगीला मौसम गोदी
चली चली है पी के नगर, दिल पे लिए चाहत का असर। गोरी चली है पी के नगर, दिल पे लिए चाहत का असर। मांग भरेंगे चांद सितारे, होंगे सबके मस्त नजारे। कौन है इसका बलम, रंग रंगीला मौसम लेके चला एक दुल्हन। शोख हसीना मुस्कुरा दी, शोख हसीना मुस्कुरा दी, आज खुदा की कसम। रंग रंगीला मौसम मोती लुटाए ऊदी घटा, नगमे सुनाए ठंडी हवा। मोती लुटाए ऊदी घटा, नगमे सुनाए ठंडी हवा। मेरे संग मेरी मंजिल, मैं हूँ तूफान वो साहिल। गाए मेरे कदम, रंग रंगीला मौसम लेके चला एक दुल्हन। शोख हसीना मुस्कुरा दी, शोख हसीना मुस्कुरा दी, आज खुदा की कसम। रंग रंगीला मौसम स्वभाव बना रहे। और देखो रूठा मत करो तुमसे बहू, ऐसा पति किस्मत से मिलता है। क्या नाम है तुम्हारा जी? मीता। मीता, कितना प्यारा नाम है। कब शादी हुई तुम दोनों की? आज ही समझिए माँ जी, आज। मेरा मतलब है मुद्दत के बाद मीता यहाँ आकर पहली बार मुस्कुराए। भगवान ने चाहा तो अब सदा मुस्कुराएगा। मैं सुबह मंदिर जाऊंगी, वहां से चरण अमृत लाके अपने बहू को पिलाऊंगी, जिससे हम सब के मन की मुराद पूरी होगी। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दे। तुम्हारी इस ताल मटोल से तुम्हें समझ रहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। आप ठीक ही समझते हैं सेठ जी। देखो भैया, सेठ जी हमें अच्छा नहीं लगता। भाई तुम इन्हें माता जी कहते हो तो मुझे पिताजी क्यों नहीं कहते? पिताजी। क्या बात, एक दफा फिर से। पिताजी, ऐसा मालूम होता है कि मेरा खोया हुआ लाल मुझे मिल गया। इस तरह खड़े रहेंगे आप? लड़के को सोने नहीं देंगे? कब से मीता इंतजार कर रही है? बेटी जरा सोचो तो, हम भी कब से इनका इंतजार कर रहे हैं। चलो Thank you.
मैं पूछती हूँ आपने मेरे कमरे में आने की जरूरत कैसे की? माफ कीजिएगा, यही सवाल जरा नरम लहजे में मैं आपसे पूछने वाला था कि आप मेरे आपने इस कमरे को अपना कमरा कैसे समझ लिया? मुझे खुद कमरे में समझाया, आप वाले कमरे में लाइट इसमें अंधेरा, मैंने दरवाजा खुला बत्ती जलाई और मेरे सिवा किसी को नहीं पाया। क्यों पिताजी? और उसके बाद? खैर जब आप आ ही गई हैं तो सर आंखों पर, मेहमान के लिए कमरा तो क्या, जान भी हाजिर है, आराम कीजिए। पहले आप मेरा कमरा खाली करने की तकलीफ कीजिए प्लीज। सिर्फ आज रात के लिए आप इस कमरे को ना अपना समझिए ना मेरा, हम दोनों का समझिए। आपका क्या मतलब है हम दोनों एक ही कमरे में सोएंगे? एक्टिंग बाहर में जाए ऐसी एक्टिंग, मैं पूछूं? आहिस्ता, नौकरी अजीब है नौकरी, आखिर दुनिया भी तो नौकरी करती है, मेरी सहेली रूपा भी तो नौकर है, सुबह जाती है शाम को आती है, उसके बाद आ जाती है अपनी जिंदगी, मगर ये अजीब मुसीबत है 24 घंटे की नौकरी, हंसना सोना रोना जागना उठना बैठना सब एक्टिंग ही एक्टिंग, मुझे नहीं ऐसी करनी नौकरी, मैं चली। जरा सुनिए, मैंने कहा जी कि मेरे पिताजी के यहाँ रहने पर तो आपको कोई अतरा नहीं, शर्म है। भगवान को दिहरी कर, मेरे दरवाजा खुलने में इतनी देर कब से खटखटा रही हो? बात ये है मम्मा जी कि वो इनके खुर्राटों में कुछ मुझे सुनाई नहीं दिया। अभी कुछ एंजल तो नहीं किया बहू जी? नहीं तो चलो पहले ये भगवान का चरनामक मुंह को लगा लो। मंदिर के तारों की छांव में लाई हूँ अपनी बहू के लिए, भोलेनाथ ने चाहा तो इस साल मुन्ना खेलेगा इस आंगन में। मुन्ना? हाँ, ये चरनामक तो चमत्कार है बेटी। अब तुम पहले बच्चे का काम छोड़ो और दूसरे बच्चे की आस कर। बच्चा? माँ जी मुझे उत्तम ने सब कुछ बता दिया है। उत्तम कहता था कि तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की है जी, और ये भी कहता था कि मीता साले बहुत हसमुख थी।
लड़के के सदमे ने उसका मिजाज जरा चिड़चिड़ा सा कर दिया। और क्या क्या कहा था माँ जी? घबराओ नहीं, उसने कोई बुराई तो नहीं की तुम्हारी। वो तो ये कहता था कि माँ जी, मैंने पिछले जन्म में कुछ भले कर्म किए थे जो मुझे मीता जैसी पत्नी मिली। मालकिन आओ कमला। लो बहू, नहाने में तो देर लगेगी, जल्दी से चार छींटे मुंह से मार के ये कपड़े पहन लो। माँ जी पहन लो बहू, जल्दी से। जेवर दुल्हन को सजा देते हैं, मगर हमारी दुल्हन ने तो जेवरों को सजा दिया। उत्तम बेटे देख तो, हमारी दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है। मालकिन मांग का सिंदूर ये तो उत्तम ही भरेगा। जुग जुग जिए जोड़ी, अब चलो मेरे साथ, अपने ससुर का भी आशीर्वाद ले लो। वो अपनी बहू को इस रूप में देखकर कितने खुश होंगे। जी आप चलिए माँ जी, मैं अभी उनकी आरती उतार के आती हूँ। बेटा आप चलिए, आरती के फूल भेज दो। जी फूल तो मेरे पास बहुत है, फूल बहुत है माँ जी। जल्दी आना बहू। क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी, ये चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशा अल्लाह, चेहरा सुहाना प्यार की रोशन किताब है, बिजली बिजिस को पा न सकी वो शबाब है। आता है रोज पूजने सूरज कदम को चूमने, देने को हम भी आ गए दिल का जवान गुलाब। ओए वल्ला क्या हसीन है तासीर आपकी, ओए वल्ला क्या हसीन है तासीर आपकी। ये चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी, ये चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशा अल्लाह, प्यारा प्यारा है घूंघट तुम्हारा बाहर है, दिल का ये तारा ऐसी अदा पर निसार है। चांदी से गोर हाथ में मेहंदी रची सुहाग की, इसके लिए वो नाजनी इतनी सजी हुई। हाय दुल्हन बनी है आज तो तकदीर आपकी, हाय दुल्हन बनी है आज तो तकदीर आपकी। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर।
आपकी, जी चाहता है खींचल तस्वीर आपकी, क्या कहने माशाल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशाल्लाह नजर तीर आपकी, जी चाहता है खींच लो तस्वीर आपकी, जी चाहता है खींच लो तस्वीर आपकी, क्या कहने माशाल्लाह। माँ जी क्यों बहू आरती उतारने में इतनी देर, ये क्या? अजी अजी आप लॉन्ड्री पर कपड़े देने के लिए किस लिए जा रही हैं? पगले, अरे नौकर किस लिए हैं बहू, चल मेरे साथ। उत्तम तुम भी चलो, चाय के साथ हलवा भी बना है। आप चलिए, मैं जरा हलवा खाने वाला हुलिया बना कर आता हूँ। अच्छा आओ। आदरवाइज करता हूँ पिताजी, बाल बाल बच गए। देखिए मैं किसको लाई हूँ। किसको लाई हो? देखिए ना। अरे बहू, जीती रहो सुखी रहो, आओ ना बैठो ना बैठो। तुम्हें देखकर तो ऐसा मालूम होता है जैसे हमें हमारी खोई हुई मीता मिल गई, और जैसे 14 वर्ष के बाद सीता वन से वापस आई हो अपने राम के साथ। अरे वो चरण में दे दिया कि नहीं? हाँ दे दिया, अब आप मुन्ने के लिए खिलौनों का इंतजाम कीजिए। अरे खिलौने क्या, मैं तो मुन्ने के साथ खुद खेलूंगा। माँ जी अब मैं जाऊँ? तुम बैठी रहो, बैठो बैठो। अभी हमारा दिल नहीं भरा तुम्हें देखकर। नहीं बात ये है कि मुझे इतनी जेवर पहनने की आदत नहीं है। धीरे धीरे हो जाएगी बेटी, ये लो तिजोरी की चाबी, अभी जी नहीं चाहता तो रख दो, जल्दी चाहे पहन लेना। आपके पास रखिए ना माँ जी। नहीं नहीं नहीं, तिजोरी की चाबी ना अब ये छुएगी ना मैं, अब ये सब तुम्हारा ही काम है। माँ जी ये तस्वीर, क्या बताऊ बेटी, अगर आज ये होते तो तुम्हारे और उत्तम के बराबर होते, ऐसे बिछड़े कि फिर न मिले। तुम भी कैसी बातें करती हो, अरे भगवान ने उत्तम और मीता के रूप में इन दोनों को भेज तो दिया। आप अब ये चाय बना दो। उत्तम कहाँ है? उत्तम तो भी अपना हुलिया ठीक कर रहा है, बहू की झूठी शिकायत करता है, अभी अभी बहू उसकी आरती उतार कर आई है। बहुत अच्छे, ये तो अच्छे घराने की बहुओं का धर्म है। बहुत बढ़िया चाय बनी है। लेकिन पिताजी मैं तो शक्कर डालना ही भूल गई थी। कोई बात नहीं है, तुम फीकी चाहते हो भी बना ही नहीं सकती। और देखो आज का खाना भी मैं तुम्हारे हाथ का खाऊंगा। हाँ बेटा आप क्यों तकलीफ करती हूँ माँ जी, लाइए मैं इनके हाथ धुला देती हूँ। कितनी श्रद्धा है पति के लिए। अच्छे घर की बहू बेटियों की यही तो गुण होते हैं। अच्छी तरह हाथ धो लीजिए, कल नौकरी से भी हाथ धोने पड़ेंगे। क्यों? मैं ये नौकरी छोड़ के जा रही हूँ। अरे उत्तम हाथ धो रहे हो या नहा रहे हो? चलो खाना ठंडा हो रहा है। अभी आए पिताजी। उधर खाना ठंडा होने की पड़ी है, इधर मैं ठंडा हो रहा हूँ। चलिए चलो ना भाई आओ। आओ बेटा बैठो। पेट भर कर खाना खा लीजिए, शायद फिर इस घर में खाना नसीब ना हो, मैं जरूर जा रही हूँ। इन दोनों की वजह से आज 14 बरस के बाद इस घर में रौनक हुई। अब तो रोज ही रौनक रहेगी, भगवान ने हमें पली पलाई जोड़ी दे दी। देखा आपने हमें पाकर इन लोगों को कितनी खुशी मिली है, अगर आप चली जाएंगी तो मेरे साथ साथ इनका भी दिल टूट जाएगा। इन्हें छोड़कर जाने से मेरा भी दिल टूट जाएगा, मगर ये पति पत्नी की एक्टिंग मुझसे नहीं होगी। अच्छा फर्ज कीजिए मैं आपका असली पति होता तो? तब तो अलग बात थी, झूठा दिखावा तो नहीं करना पड़ता। तो इस झूठे दिखावे को सच क्यों नहीं बना लेती हैं आप? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, आपकी बहू ने पटाखा छोड़ दिया। तुम भी तो बहू को छेड़ने से बाज नहीं आते। छेड़ना तो कोई इनसे सीखे माँ जी, आज सुबह से कह रही है मैं मैके चली जाऊंगी, ये समझती है इनके चले जाने से आप लोग मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक समझती है बहू,
बहू के बगैर तुम किस काम के? जी आप तो खामखा दोनों में झगड़ा करवा रहे हैं। बेटा आज के बाद तुम दोनों में कभी झगड़ा नहीं होगा, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। बाबा जी? ये बाबा जी कौन है माँ जी? जिनसे सुबह ये चरणामृत लेकर आई थी, आज शाम को वो यहाँ आएंगे, बहू ने अपने हाथ से भोजन करवाएंगे और फिर वो बहू का हाथ देखेंगे और बहू को गृह शांति के लिए एक तावीज भी देंगे। ये बाबा जी कितने बजे आएंगे माँ जी? 5 बजे बेटा। 5? जल्दी भी तो आ सकते हैं। खाओ बेटा खाओ। पधारने के लिए तो हम आए हैं माता। हमारा भाग्य ऐसा घोर अन्याय न करना, आपके हाथ लगते ही हमारे चरण नरक में पहुंच जाएंगे। क्या मैं इतनी पापन हूँ महाराज? नहीं माता नहीं, आप जग जननी हैं, माँ पार्वती हैं, आपका प्राण नहीं ले सकता। निश्चय निश्चय यही आपकी बहू मिश्रा है। आप तो जाने जा रहे महाराज, यही मेरी बहू है। प्रणाम करो बेटा, प्रणाम। सुहागमन रहे सुहागमन रहे। शर्मा नहीं बाबू, बाबा जी तो प्रभु समान है, इनसे क्या शर्म? हाँ देवी, शास्त्रों में लिखा है कि पति गुरु और भगवान से नहीं शर्माना चाहिए, हमें भी इन तीनों में से एक समझो। बाबा जी आप पहले भोजन कीजिएगा। भोजन भजन के बाद होगा माता, आप भोजन का प्रबंध कीजिए, तब तक हम भजन करते हैं। हाँ देवी हम बैठ जाते हैं। शर्माओ नहीं, हमारे पास आकर बैठो। यदि तुम्हें कष्ट हो रहा हो तो हम ही तुम्हारे पास आकर बैठते हैं, हमें ये दूरी अच्छी नहीं लगती। लेकिन महाराज हमें ये अच्छा नहीं लगता। इसमें क्या बुराई है देवी, हम तुम्हारे पति उत्तम की तरह जवा तो नहीं है। महाराज लेकिन आपकी आवाज तो। हाँ हाँ कभी कभी किसी से मिल जाती है। नौकरी के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा नाटक रचना पड़ता है, पति पत्नी का नाटक। सच हो तो आगे बढ़ो नहीं तो पीछे जाओ। हाँ सच है महाराज, लेकिन जरा आहिस्ता। निश्चिंत रहो देवी निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारा भेद खुल गया तो मुझे भी कष्ट होगा। भलाई तो इसी में है कि तुम कभी उत्तम को न छोड़ो। अगर तुमने कभी इस घर से बाहर कदम रखा तो राहु और केतु शनि के घर में आ जाएंगे और इससे तुम्हें और तुम्हारे उत्तम को घोर संताप होगा। लेकिन महाराज मैं इस तरह एक पराये आदमी के साथ कब तक रह सकती हूँ? जीवन भर रहो, इसी में तुम्हारे जीवन की सफलता है। क्या बात है देवी, किस विचार में डूबी हुई हो? अभी बताऊं या बाद में? नेक काम में देर कैसी? मैं अब इस घर में कल ही नहीं रहूंगी। एक्टर नहीं के। मैं एक्टर नहीं हूं, मैं साधु साधु हूं। मैं उस दिल नहीं जिंदा दिल बहु रुपया सिर्फ पिया एक्टर कही के। इससे पहले आप कितनी लड़कियों से एक्टिंग किया आपने? अभी बताता हूँ। नीलम पीलम शीलम अंतो बंतो शंतो सुबह लक्ष्मी गृह लक्ष्मी रोजी मोजी और हाँ मीता। अरे आपका नंबर तो बार बार। और इन सबसे क्या क्या कहते रहे आप? जी लड़कियों से कहने के लिए सिर्फ एक ही बात है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन हर लड़की से कहने का स्टाइल जरा अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर यूपी के नीलम से कहता था, नीलू तुम्हारी नीली आंखें दो खूबसूरत झीले हैं, जी चाहता इनमें डाइव करके हमेशा के लिए डूब जाऊं। और पंजाब के बंतों से कहता था, सोनिया चुप करके गड़ी दबिज बजा, रोएंगी तो चपड़ा खाएंगी, छोड़ दो मुझे। और बॉम्बे के शालिनी से कहता था, शालू चटक चांदनी जरा इकड़े ये जरा इकड़े ये, गुलाबी चिकली जरा इकड़े ये जरा इकड़े ये। और मद्रास की सुबह लक्ष्मी से कहता था, सुबह चक्कर पन्ने अड्डी रुकमनी ये जन्ने नाड़ वंदन ने नक्की केड़ वंदन ने। और बंगाल की इला से आप क्या क्या कहते रहे? इला के बोल तुम, इला इला ना किसु ना। ओहो बोलो ना। तुम्हार मिष्टि चेहरा देखे आमार मोने एक्टर रसगुल्ला भेजा आसे। और गोवा की रोजी से क्या कहते थे? रोजी अरे बाप रे, वो मुझे कहाँ बोलने देती थी, वो तो खुद बोलती रहती थी, आओ तुझी रानी तुम आजा राजा। और मीता के लिए सिर्फ यही रहा,
जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशाल्लाह, लेकिन सुनिए तो सही, आप यहाँ से फौरन चले जाइए। लेकिन ये तो किसी लड़की ने कहा नहीं, ये मैं कह रही हूँ समझे। तुम सुनिए, आप इस छत पर से फौरन चले जाइए। अच्छा, अगर आप चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। सुनिए, दरवाजा तो बंद है, आप कैसे जाऊँ? आप नहीं जाते तो मैं चली जाती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ से तो मुझे जाना चाहिए। तो फिर जाइए ना। जाओ? हाँ हाँ जाइए। अच्छा, जाता हूँ। क्या सचमुच जाऊँ? आप जाते क्यों नहीं, चले जाइए। गया। उत्तम, मीता जो कुछ मैं कह रहा था वो एक्टिंग नहीं थी, मुझे सचमुच तुमसे मोहब्बत है मीता। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी।
दिल में रख लूं ये जी चाहता है, ये हस्ती मिटा दूं ये जी चाहता है, ये हस्ती मिटा दूं ये जी चाहता है। ओ जाने तुम ये दीवानी बहार, ये दीवानी बहार पीछे तुम मिले ये है दिल मिल गई, पीछे तुम मिले ये है दिल मिल गई। ऐ जाने गुलिस्ता है मेरी जाने जाना, है मेरी जाने जाना, तेरे प्यार से रोशनी मिल गई है, तेरे प्यार से रोशनी मिल गई है। ऐ जाने गुलिस्ता है मेरी जाने जाना, है मेरी जाने जाना। आप इतनी ऊंची जगह किस्मत लड़ी है आपकी, कहां आप 250 रुपल्ली की नौकरी के लिए मारी मारी फिरती थी और आज सेठ परशोत्तम दास की बहू बेटा बनकर आप 20 लाख रुपए की मालिक बन गई। शुक्रिया, क्या चाहते हैं आप? 20 लाख रुपए में से सिर्फ 5 लाख रुपया। खून के जुर्म में आपकी सुराईदार गर्दन को फांसी के फंदे से बचाने के लिए। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने किसी का खून नहीं किया। लेकिन ये कानून कैसे मानेगा? क्यों नहीं मानेगा, कानून के पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ? कानून के पास तो अभी सबूत नहीं है, सबूत मुझ हादसा के पास है। देखिए, इस रुमाल पर आपके खून आलूदा पंजे के निशान है ना, ये रुमाल आपके लिए फांसी का फंदा बन सकता है। और ये देखिए तस्वीर, भला बतलाइए क्या इस तस्वीर को देखकर कानून ये नहीं मानेगा कि आपने मेरे चाचा का खून किया? गुस्ताखी माफ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसे सबूत होते हुए भी आपने अभी तक अपने चचा के खूनी को कानून के हवाले क्यों नहीं कर दिया? वो इसलिए कि ये शख्स अच्छी तरह से जानता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया। उत्तम, तुम खामोश क्यों हो गए, बोलो ना। शायद आप नहीं, लेकिन मैं इनकी उलझन को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। महबूब को खूनी जानते हुए भी दिल उससे दामन नहीं छुड़ा सकता, नफरत नहीं कर सकता, उसके बगैर जीना एक गुनाह मालूम होता है। क्यों, ठीक है ना उत्तम बाबू? बड़ी दूर जाती है आपकी नजर। गुड, वेरी गुड। देखिए, मेरे चचा तो अब जिंदा हो नहीं सकते, लेकिन मैं ये कभी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी वजह से दो अरमान भरे दिलों की दास्तान अधूरी रह जाए। अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए महफूज रखिए, लीजिए। शुक्रिया। हाँ सुनिए तो सुनिए, मेरी मजदूरी। मजदूरी? 5 लाख रुपए है उत्तम। कहिए कहाँ और कब हाजिर हो जाऊँ? तकलीफ करने की क्या जरूरत है, अभी लेते जाइए। कहिए, कैश या चेक? कैश, कैश। ये लीजिए। इसे बेवकूफी कहूं ये लड़कपन, लेकिन मुझे आपसे इस तरह की हरकतें कभी उम्मीद न थी। याद रखिए, झूठे पति पत्नी बनकर रहना भी कानून की नजरों में जुर्म। क्या हुआ बहू? माजी, रात से कुछ तबीयत खराब है, उल्टी से। बधाई हो मालकन जी, यूं ही खराब नहीं हो रहा बहू रानी का। दिखा दिया चरण अमृत ने चमत्कार, हो गया पांव भारी बहू का। मैंने कहा मुबारक हो। बहू की तबीयत खराब होने लगी। बहू की तबीयत खराब होने लगी? तो मुबारकबाद कैसी? हेलो, औरत की भाषा औरत ही समझे। भगवान के घर से आ रहा है आपको दादा कहने के लिए। माने तुम्हारी उल्टी को समझ लिया। अब क्या होगा? तो कुछ हुआ ही नहीं तो होगा क्या? ओहो, आपको तो दिल लगी सूझ रही है, कम से कम ये गलतफहमी तो दूर कीजिए उनकी। मीता, ये गलतफहमी दूर करने गए तो कहीं उनकी सारी गलतफहमियां दूर ना हो जाए। उत्तम बेटा। ओ माँ। मीता, उत्तम, आज तुम दोनों में झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा मिटाने वाला आ रहा है। मीता जी। माँ, तू तैयार नहीं हुई? बाजार जाना है बेटे। चलो चलो चलो। कितनी बार कहा है कि बड़ों के सामने अगर मगर नहीं करते। चलो जाओ। चलो चलो, देरी हो रही है, आओ। नमस्ते माता जी। नमस्ते, क्या नमस्ते? हेलो भाभी, आज सुबह सुबह आप दोनों कहाँ जा रही है? बाजार जा रहे हैं, मीता के लिए गहने कपड़े खरीदे। किस खुशी में माता जी? मीता का पाँव भारी हो गया है। ओह, अजीब इत्तेफाक है, रूपा का भी पाँव भारी हो गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपका पाँव भारी हो सकता है,
तो रूपा का बहुत भारी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रूपा दीदी की शादी अभी तक नहीं हुई। तो क्या आपकी शादी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अगर रूपा की शादी नहीं हुई है तो हो जाएगी। लेकिन माता जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये पाव भारी का शादी के साथ क्या संबंध है? क्या बगैर शादी के पाव भारी नहीं हो सकता? नहीं, कभी नहीं। आई डोंट एग्री टू इट। माता जी, कल आपके यहाँ से जाने के बाद रूपा के पाव में चोट आ गई, आज बेचारे का पाव भारी हो गया। मैं अभी अभी बेचारी को डॉक्टर घंटी के पास छोड़ के आया हूँ। अरे पगले, हमारी बहू माँ बनने वाली है और तुम चाचा। क्या कहा माता जी? चाचा, वेरी गुड, वेरी। अब लग रही हो मेरे आने वाले पोते की माँ। अच्छा, तुम चलकर गाड़ी में बैठो, इस हालत में ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं। मैं बिल चुका कर आती हूँ। सुंदर, अभी जाना नहीं, माँ जी आने वाली है। सुंदर सुना नहीं, माँ जी आने वाली है। सुंदर गाड़ी रोको, सुंदर गाड़ी अपने ठिकाने पर पहुंचकर खुद ही रुक जाएगी। औरतें भी अजीब होती हैं, अपने आप को प्रधान समझती हैं। आने वाले बच्चे की खुशी में होने वाली माँ को देवकी बाजार लेकर चली गई गहने कपड़े के लिए, और होने वाले बाप को यहीं छोड़ गई, जैसे बाप कोई चीज ही नहीं है। अब हमें बाजार में देखकर पता चलेगा कि हम भी कोई चीज। सुंदर जरा टेलीफोन देखो। हेलो मीता, तुम कहाँ हो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उत्तम, तुम मेरी कुछ फिक्र मत करना। कहाँ, किसकी मंजिल में? मुझे मालूम नहीं, ये जगह और ये मकान मेरे लिए बिल्कुल नया है। पता नहीं वो मुझे कहाँ ले आए हैं। आपका खादिम यहाँ हाजिर है। अगर आप मीता की जिंदगी चाहते हैं तो आज शाम को 6 बजे तक 5 लाख रुपए की मंजिल में पहुँचा दीजिए। मेरा आदमी वहाँ आपका इंतजार कर रहा होगा, जैसे आप रुपया लेकर वहाँ पहुँचेंगे। एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर आपने पुलिस में इत्तला करने की कोशिश की तो क्या मीता की लाश भी आपको ना मिलता। आई होप यू अंडरस्टैंड। दुकान से निकलते ही भागी तुम्हारी तरफ गहने कपड़े दिखाने के लिए। न जाने अब कब आएगी। आप फिक्र क्यों करती हैं माँ जी, अगर मुझे वहाँ नहीं पाएगी तो खुद ब खुद चली आएगी। माँ जी, मीता सही सलामत है माँ जी, शाम तक आ जाएगी। ये सब क्यों है चाची, मीता कहाँ है? कुछ समझ नहीं आता, सुंदर सास और बहू दोनों को लेकर बाजार गया था, खुद तो इस हालत में आया है, बहू ना मालूम कहाँ। सब अच्छे काम लो बेटी, सब अच्छे काम। सब्र से कैसे काम लो सेठ जी, मीता मेरी दुनिया है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा ना रह सकूंगी। रूपा मीता तुम्हारी बहन सही, मगर हम लोगों के लिए भी हमारी औलाद से कम नहीं, उसको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ ठहरो, मैं पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ। जल्दी कीजिए सेठ जी। पिताजी, पुलिस को खबर ना कीजिए। क्यों? इसमें मीता की जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, आखिर बात क्या है? किसी ने मीता को अगवा कर लिया है। माँ जी, इस तरह जान खोने से मीता तो नहीं मिल सकती। मैंने उसे अपने बेचैन ममता का सहारा बना लिया था, उसे पाकर मैं अपनी खोई हुई औलाद को भूल गई थी। रूपा, तुम उस अभागन माँ का दुख क्या जानो जिसकी गोद ही उजड़ गई हो। माँ जी, आपका तो 2 दिन का साथ था, मैंने तो उसे 14 साल अपने सीने से लगा कर रखा, खुद यतीम हो गई, लेकिन उसे माँ की ममता और बहन का प्यार दिया। क्या उसके बिछड़ जाने का मुझे कोई गम नहीं? फिर भी तुम माँ नहीं सहेली हो, तुम्हारा दुख सहेली का दुख है, तुम उसे 2-4 दिन में भूल जाओगी और मेरे तो पुराने जख्म हरे हो गए। ये आपने कैसे कह दिया कि मैं उसे भूल जाऊंगी? कभी कभी दिल का रिश्ता
खून के रिश्ते से भी गहरा होता है। मुझे तो आज भी वो एक नन्ही सी दुल्हन याद है जिसे मेरी माँ ने आसाम की बाढ़ से बचाया था। आसाम की बाढ़? रूपा, 14 साल पहले? हाँ, आज से 14 साल पहले, जब ब्रह्मपुत्र में तूफान आया था, मुझे पूरा पूरा होश था। मैं और मेरी माँ गांव छोड़कर भाग रहे थे, तो दरिया की तूफानी लहरों में एक नन्ही सी दुल्हन को मेरी माँ ने डूबते हुए देखा। नन्ही सी दुल्हन, उसे बचा लिया था ना? हाँ। और उस रात भादों की पूर्णमासी थी शायद, जब धरती के चांद डूब रहे थे तो आसमान का चांद अपने पूरे शबाब पर था। मेरी माँ ने अपनी जान की बाजी लगाकर मीता को बचाया और उसके बदन पर सुहाग का जोड़ा भी था, गुलाबी जोड़ा, और गले में गुलूबंद और माथे पर लगन का मुकुट भी था ना? था ना? मुकुट भी था, लेकिन उस सुहागन के दामन की खुली हुई गांठ कह रही थी कि उसके सब साथी बिछड़ गए और वो बेचारी रो रो कर किसी मोहन को पुकार रही थी। मोहन को? मेरे मोहन को? तुम्हें तो देखो, देखो ये तस्वीर का नहीं? हाँ माता जी, बिल्कुल यही। रूपा, ये तो मेरी बिछड़ी हुई बहू है। और उत्तम, उत्तम मेरा मोहन, उत्तम मेरा मोहन है, मोहन, मोहन। माँ जी नहीं, माँ कहो, माँ, सिर्फ माँ। आज 14 वर्ष हो गए तुम्हारे मुंह से माँ सुने। मेरा बहू बेटा घर में और मैं उनके सपने देखती रही। माँ जी, मैंने तो आपको मीता के बारे में कहा था, मोहन के बारे में नहीं। मोहन बेटा, तुमने अपना नाम क्यों बदल लिया रे? मैंने अपना नाम नहीं बदला माँ जी, मैं उत्तम हूँ, मोहन नहीं। मोहन नहीं? हाँ माँ जी, उत्तम भैया ठीक कहते हैं, कोई बात नहीं। मेरे लिए उत्तम और मोहन में कोई फर्क नहीं। रूपा, तुमने मीता और उत्तम की शादी कब करवाई? शादी? शायद तुम्हें याद नहीं, तुम्हें तो याद होगा बेटा। माँ जी, मैं क्या बोलो बेटे? हम दोनों की शादी नहीं हुई माँ जी। शादी नहीं हुई? नहीं। तो क्या तुम और मीता पति पत्नी नहीं? नहीं। मीता हमारी बहू है ना? बेशक माँ जी, वो आपकी बहू है। तो तूने हमारी मासूम बहू को बहका कर उसे गलत रास्ते लगाया था, बगैर शादी किए उसके पति बने रहे, वो एक बच्चे की माँ बन गई। क्या निकल जाओगे? जिस घर से तुझे माँ बाप का प्यार मिला उसी घर के नारे तुझे बात क्यों मार रही? बात तो सुनिए, ये नाटक सिर्फ नौकरी के लिए रह जाया था, इनका कोई कसूर नहीं। कसूर तो मेरा है जिसने सुनील की शक्ल में अपने मुंह को देखना चाहा। तू जैसे पापी को जितनी जल्दी हुआ था अच्छा। माजी, माजी, अगर आपको मेरी मौत से इतनी ही शांति मिल सकती तो अपने हाथों से मेरा गला क्यों नहीं घोट देती? मैं तुझ जैसे दुष्ट को छूकर अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहती। तेरा पाप ही एक दिन तेरा गला घोट देगा। तूने एक मां का दिल दुखाया है, तुझे मर कर भी शांति नहीं मिलेगी। आज आपके कोई औलाद नहीं है। जो इस तरह मेरे बेटे को बद्दुआ दे रही है, इस बेशर्म को अपना बेटा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? शरीफ करके बहुत से प्यार करे और कीमत से खेले। ये नहीं, आपने बेटे को याद है? माजी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माजी। ये शर्म बेगरत के है,
जिस घर से बेइज्जत होकर निकाले गए उसी घर के दरवाजे खटखटाने तेरे हाथ में टूट गए। क्या यही फूल खिलाने के लिए शहर आया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने मजदूरी करके मैंने तुझे पढ़ाया था कि अपनी नालायकियों से मेरी पगड़ी छलवाओ? बापू माँ जी की गलती नहीं, मुझे गलत न समझो, मेरी बात तो सुन लो। मैं क्या कहता हूँ सुनना बाकी रह गया क्या? चल यार मेरी बात तो सुन लो। मेरी बात मैं कहता हूँ चल मैं सर। जब तक पिताजी ना आ जाए मैं यहाँ से जा नहीं सकता। बाबू पिताजी? कौन पिताजी? अरे बाल पोस का तो मैंने बड़ा किया, दिन रात कभी खिदमत की, मुझे जवान करते करते मैं खुद पूरा हो गया, और आज जब मेरी सेवा का वक्त आया तो दूसरे का मामा बना लिया। तुम्हारे लिए मेरी जान भी हासिल है बाबू, लेकिन इन लोगों ने मुझ पर बहुत एहसान किया और इस वक्त तेरी मेरी सख्त जरूरत है। तुम नहीं जानते बाबू मुझे वहां जरूर जाना है, जरूर जाना है। हाँ क्यों नहीं, उनकी बहू तुम्हारा इंतजार कर रही है ना। निर्लज नालायक, अब मैं तेरी एक नहीं सुनता, तू मेरे साथ गाँव चल। मैं तुझसे वादा करता हूँ बाबू, अपना फर्ज पूरा करते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारे साथ गाँव चला चलूंगा। मुझे सिर्फ एक बार छोड़ दो बाबू, एक बार छोड़ दो। नहीं, किसी की जान खतरे में है बाबू, मुझे जाना ही है। उत्तम ये 5 लाख रुपये मीता की जान की कीमत है। अगर आज शाम को 6 बजे तक रुपए उस बदमाश के पास नहीं पहुंचे तो शायद मीता की लाश कभी हम नहीं देखते। तो आप उन्हें जो रुपए वक्त पर क्यों नहीं पहुंचाते थे? मैं भी आपके साथ चलूंगी सेठ जी। मगर कहां जाएंगे बेटी, जिन बदमाशों ने टेलीफोन किया था उसके अड्डे का पता सिर्फ उत्तर ही को मिले। रूपा क्या हो गया, कहां जा रही हो? मीता को किसी ने अगवा कर लिया है। है? मीता को? हाँ, और 5 लाख रुपए उसकी जान की कीमत मांगी है। 5 लाख रुपए? मैं उस बदमाश को 5 लाख जूते मारूंगा। कौन है वो? ये सब जानते तो रोना ही किस बात का था, सिर्फ उत्तम भैया ही इन बदमाशों का पता जानते हैं, और उन्हें भी माता जी ने किसी गलत फहमी में आके इस घर से निकाल दिया है। कहीं वो अपने पुराने मकान में तो नहीं है? कैसे हो सकता है, उत्तम को मिलने मैं खुद वहां से आ रहा हूँ। हे भगवान, अगर उत्तम भैया ना मिले तो मीता भी ना मिल सकेगी। रूपा तुम फिक्र मत करो, मैं उन दोनों की तलाश में जमीन आसमान एक कर दूंगा। कम ऑन नसीर, प्लीज आओ मेरे साथ। आओ डॉक्टर साहब। घबराओ नहीं बाबा, तुम्हारा बेटा जल्दी होश में आ जाएगा। आपको हर तरह की जहमत से बचाने के लिए चिट्ठी में खुद लिख कर लाया हूं, पढ़िए। पूज्य माँ जी, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, चिट्ठी लाने वाले आदमी के हाथ आप इसी वक्त 5 लाख रुपया भेजकर मुझे बचा लीजिए। अगर आपने इनकार किया या पुलिस में जाना चाहा, तो शायद आपको लाश भी न मिल सके। आपकी बहू। गुड, वेरी गुड। अब अपने मुबारक हाथों से इस जगह अपना नाम लिख दीजिए, रुपया मैं खुद वसूल कर लूंगा। और अगर ना लिखूं तो? दुनिया मोहब्बत के लिए ताज और तख्त ठुकरा देती है, और आप सिर्फ 5 लाख रुपया कुर्बान नहीं कर सकते, वो भी और किसी का। क्या सोच रही है, पेन दूं? लाइए। जानती हो उसका अंजाम क्या होगा? मौत से बढ़कर और क्या होगा? मौत से बढ़कर और क्या होता है वो तुम अपनी आंखों से देख लेना। क्या? प्यार में हम कहाँ कहाँ से गुजर गए, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। मेरे दिल से आई तेरी सदा, हम जहाँ जहाँ से गुजर गए, हम जहाँ जहाँ से गुजर गए। मेरी जिंदगी
फिर हम भी तेरी तलाश में, गुल आरज़ू तो नहीं खिला जहाँ आफताब न जा सके, हम वहाँ से गुजर गए मेरी जिंदगी। हजार पर्दों में हो कहीं, तुझे पाके मानेंगे एक दिन। तू कहीं रहे तू कहीं छुपे, तुझे लाके मानेंगे एक दिन। हमें मौत का कोई डर नहीं, हमें मौत का कोई डर नहीं, तेरे आसपास से गुजर गए मेरी जिंदगी। झलक दिखा तू नजर तो आ, तू झलक दिखा तू नजर तो आ, मेरी हर दुआ तेरे साथ है। तुझे देख ले इस शौक में, तुझे देख ले इस शौक में, हमें तो जहां से गुजर गए मेरी जिंदगी, तेरे प्यार में हम कहां से गुजर गए मेरी जिंदगी। पेट्रोल डालना एक लीटर। इस डेढ़ हाथ की छोकरी ने तो मुझे परेशान कर रखा है। इन छोकरियों का धंधा ही परेशान करना है बॉस, डेढ़ हाथ की हो या तीन हाथ। जमन जिस बॉस, तुमने ठीक छह बजे तक उत्तम का इंतजार किया। छह क्या बॉस, मैं तो सवा छह बजे तक वही था। लेकिन वो पैसा लेकर नहीं आया। बॉस आप तो कहते थे उत्तम मीता से बहुत प्रेम करता है, फिर वो आया क्यों नहीं? मालूम होता है कि शायद 5 लाख में ये प्यार का सौदा कुछ महंगा लगा। ये पेट्रोल पंप है या राशन की दुकान, अपना नंबर ही नहीं आता। पेट्रोल भाई जल्दी जल्दी। पैसा तो उनसे अब भी निकल सकता है, लेकिन मीता से चिट्ठी पर साइन कैसे? ना मीता आपकी चिट्ठी पर साइन करेगी, ना आप मेरी मानेंगे और ना ही आपको पैसा मिलेगा। मैं कहता हूँ तो फिर बकने लगा हूँ ना, अगर मेरी बकवास पर जरा भी ध्यान दिया होता तो अब तक 5 लाख रुपया आपकी मुट्ठी में होता। कल से कह रहा हूँ प्रोफेसर बुखारी। हाँ 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 हा, प्रोफेसर बुखारी बुखारी बुखारी, तुम्हें तो बुखारी का बुखार चढ़ गया। मैं कहता हूँ इसमें बुखारी क्या कर सकता है, है? क्या कर सकता है, मैं अभी सुनाता हूँ। ये देखिए 2 लीटर हो गया साहब, दो और डाल। चलो पंप वाला जल्दी करो। लीजिए बॉस, जो बीमारी लाख दवाइयों से ठीक ना हो और जो काम हजार तरकीबों से ना बने, उसे मशहूर हिप्नोटिस्ट प्रोफेसर बुखारी हिप्नोटिज्म के जादू से कर देते हैं। बिजनेस में कामयाबी, मुकदमे में जीत, दुश्मन पर फतेह और महबूब को अपने पास में करने के लिए। ये सब पैसा बनाने के स्टंट हैं। हम भी पैसे के चक्कर में हैं बॉस, आजमा कर देखें, शायद काम बन जाए।
दुनिया के काम हिप्नोटिज्म से नहीं बनते चमन साहब, और मैं इन बेकार बातों को बिल्कुल नहीं मानता। आप माने ना माने, लेकिन बड़े बड़े मान जाए। चिट्ठी तो क्या, वो मीता को हिप्नोटाइज करके आपके नाम वसीयत भी लिखवा सकता है। ओफ, तुम तो हर बात को जों की तरह बस चिपक ही जाते हो। अच्छा ये भी कर देखो, प्रोफेसर बुखारी। 4 लीटर हो गया साहब। 4 और डाल दो बाबू जी, इसमें 5 ही लीटर आता है। कोई बात नहीं, 1 अंदर 3 बाहर डाल दो। बाहर? हाँ बाहर। तुमको पैसे से मतलब, ये पेट्रोल से, जल्दी करो। आया बाबू जी, आया। आपकी जोड़ी सलामत रहे। उत्तम, उत्तम भैया। तफसील में जाने की सहमत न फरमाई अजीज अमन, हम समझ गए। मामला दौलत और सर से मुतालिक है। दुनिया में झगड़ा ही 3 चीजों का होता है बुखारी साहब, जर, जमीन और जन। दरीचे शक, दरीचे शक। तो आपके पास एक दुख्तर जन यानी कि एक दोशीजा को अपने बस में करना चाहते हैं ताकि उन्हें सर यानी कि 5 लाख रुपए मिले, है ना? दरीचे शक, दरीचे शक। लेकिन बुखारी साहब, आपने ये 5 लाख रुपए का किस्सा कैसे जाना? फकीर क्या नहीं जानते, हमें हर के आगाज से ही अंजाम दास्तार की बू आ जाती है। बू आ जाती है ना? तो चलिए बुखारी साहब, जल्दी कीजिए। आइए बुखारी साहब, आइए आइए आइए। मिस्टर रचन, प्रोफेसर बुखारी। गुड, वेरी गुड। तस्लिमात करो निशाद, मिजाजे करान। ठीक है ठीक है, काम की बात करो। अब्दुल को हाथ मिलाने की इज्जत बख्शे बंदा फरवान। ये नुकता अब हमारी समझ में आया कि हुजूर को हाथ मिलाने में एहसास क्यों था। आपके हाथ किसी के खून नाहक से आलूदा है। मालूम होता है कि प्रोफेसर साहब दिन को भी चढ़ा लिया करते हैं, लेकिन मेरा हाथ किसी के खून से आलूदा नहीं है। तो फिर आपसे हाथ मिलाने के बाद इस नाचीज के हाथ में खून कहां से आ टपका? लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं खून नजर नहीं आता। उस्ताद है माफ, अगर गैब की हकीकत भी आपको नजर आने लगे तो फिर एक अमीर और एक फकीर की निगाह पुरतासीर में फर्क ही क्या है? साफ नजर आ रहा है। एक आलिशान मकान, मकान में एक लंबा सा हॉल, और हॉल के दरमियान में एक मेज और एक कुर्सी, और कुर्सी पर एक ज़ईफ उम्र आदमी। बिल्कुल यही हाँ, जिसने उस बूढ़े के पेट में खंजर भोंक दिया। बुखारी, अगर हकीकत आपको नागवार गुजरती है तो फिर हम तशरीफ ले जाते हैं। खुदा हाफिज। बॉस, हो गई तसल्ली? नहीं, अभी नहीं। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी रूहानी ताकत को समझ न सका। मुझे इस चिट्ठी पर उस लड़के के दस्तखत चाहिए। यंका, यंका, रंग रंगीला मौसम लेके चला एक दुल्हन, शोख हसीना मुस्कुरा दी, शोख हसीना मुस्कुरा दी, आज खुदा की कसम, रंग रंगीला मौसम लेके चला एक दुल्हन, शोख हसीना मुस्कुरा दी, शोख हसीना मुस्कुरा दी, आज खुदा की कसम, रंग रंगीला मौसम। बंद की अर्ज है बंदा नवाज। तो ये चिट्ठी आपको आम खाने से गरज है या पेड़ गिरने से? अगर हमारे इम के जोर से ये दोषी आपको खुद 5 लाख रुपए दे देता हूं तो मैं उसमें से 50,000 रुपए आपको दे दूंगा। नहीं, 1 लाख। 75,000। 1.25 लाख। मंजूर है, लेकिन जो कुछ करना हो जल्दी कीजिए। जल्दबाजी शैतान करता है, दुर्वेश नहीं। अब हमारी रूह की गहराइयों से एक दिल नशी और सरंगेज नगमा फूटेगा।
जिसके मकर से असर से अगर ये दोषी हमारी तरफ खींची आए तो समझिए चाराने कामयाबी नसीब हुई। अगर हुस्न बेखुद होकर खुद रक्त करने लगे तो चाराने में चाराने और मिला दीजिए, और अगर ये खुद नगमे में शामिल हो जाए तो अठाने में चाराने और मिला दीजिए, और अगर हमारे इशारों पर ये नाजनी नाचते और गाते हुए दीवाना बार हमारे साथ साथ इस कमरे से बाहर चली आए तो समझिए सोलह कामयाबी हासिल हो गई। इस कमरे से बाहर मैं समझा नहीं। यह आपका कसूर नहीं, ये वो नुकते हैं जिनको अहले दुनिया कम समझते हैं। हमारी रूहानी ताकत के असर से ये नाजनीन हमारे साथ साथ इस कमरे से बाहर चली आएगी। हम इसे उस मकान में ले जाएंगे जहां तजोरी में रुपए महफूज है। नाजनीन खामोशी के साथ तजोरी खोलेगी और 5 लाख रुपए हमारे हवाले कर देगी, और हम अपना हक़ुल ख़िदमत काटकर बाकी के 4.5 लाख रुपए आपके हवाले कर देंगे। बस बस बुखारी साहब, आप जल्दी से वो मकनातीसी नगमा छेड़िए, रुपए में 4 हिस्सा मेरा भी है। या परवरदिगार, उस्ताद खान, पीरे कमाल, लाफामी लागबार, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। माशाल्लाह, इन पर तो उम्मीद से भी ज्यादा असर हो गया। क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशाल्लाह, हम शहजादे प्रेम नगर के नाज है, दिल में हमारे तेरे ही दिल की आवाज है, होंठों पे तेरा नाम है, ये राग एक प्याम है, चल दे यहाँ से दूर हम ढूंढा करे वहाँ, ओए कातिल अदा है आज भी दिलगीर आपकी, ओए कातिल अदा है आज भी दिलगीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशाल्लाह, प्यारे साथ तूफान में पाया
चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशाल्लाह। खबर है तुम हो किसी की जाने मन, फिर भी हमारा दिल है दीवाना गुल बदन। प्यासे दिलों की आस हो तुम दूर रह के पास हो, लोगों के दिल का चैन हो और दिल की हो पुकार। ओए लाई हमको खींच कर तासीर आपकी, ओए लाई हमको खींच कर तासीर आपकी। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशाल्लाह नजर तीर आपकी। क्या कहने माशाल्लाह नजर तीर आपकी। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशाल्लाह। अब मैं आपको अपनी रूहानी ताकत का तमाशा दिखाता हूं। अब तू कहां जाती है? अब तू क्या रहा है? मारा मुझे, लपड़ मारा मुझे। जरा बख्तर और फलाद की पेटियां पहनने वाले धोखेबाज। पीछे हट जाओ, गोली मार दूंगा। पीछे हट जाओ, गोली मार दूंगा। अचिन साहब, अगर मैं चाहूं तो आप इसी वक्त खत्म कर सकता हूं। मैं जानता हूं, लेकिन आप इतने बेवकूफ नहीं हैं। मेरे मरते ही मीता देवी के खिलाफ तमाम सबूत मेरा आदमी पुलिस के हवाले कर देगा, और वो सबूत आपकी मीता देवी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए बहुत काफी है। अच्छा अचिन साहब, अगर आपको रुपए मिल जाए तो मीता के खिलाफ जो तमाम सबूत है आपके पास, आप हमारे हवाले कर देंगे? बेशक बेशक, 5 लाख रुपए इन्हीं सबूतों की तो कीमत है। कुछ कम नहीं करेंगे? शर्मिंदा न कीजिए, ये बतलाइए कि रुपया कहाँ और कब मिलेगा। अगर आप कहें तो मैं आज ही पुरुषोत्तम बाबू के घर पर पहुंच जाऊं। वहां आने में कोई एतराज तो नहीं होगा आपको? उत्तम बाबू, ना तो आप मुझे मार सकते हैं और ना आप मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं, फिर मुझे एतराज किस बात का हो सकता है। आज शाम को 8 बजे मंजूर? मंजूर। गुड, वेरी गुड। अगर एतराज न हो तो शौक से। चलो मीता। ओह माय गॉड, क्या मिली? मैं सपना देख रहा हूँ। मैं सपना नहीं, हकीकत हूँ। आपकी कमर को क्या हुआ है? ये रंग, ये रूप, ये जवानी और उस पर ये दाग, क्या आपकी बचपन से कमर टेढ़ी है? नहीं गुलबदन, नहीं। कुछ देर पहले मैं अच्छा भला था, अपने बॉस की खातिर एक लड़की को पकड़ने गया, उस कमबख्त ने इतने जोर से मारा कि मेरी कमर ही टेढ़ी हो गई। कहाँ है वो लड़की? मैं अभी उसकी कमर टेढ़ी करती हूँ। वो अपने प्रीतम के साथ चली गई और उसने मुझे काटा भी। क्या कहा? नीता चली गई? 5 लाख क्या बंदा परवर, मैं अपने इल्म के जोर से आपको 50 लाख दिलवा सकता हूँ।
मेरी रूह की गहराइयों से एक सहर अंगेज नगमा फूटेगा। अगर उस नगमे के मकनातीसी असर से मामूल मेरी तरफ खींची आए तो समझिए चारा ने काम बन गया, और अगर हसन खुद मस्त होकर रक्स फरमाने लगे तो चारा में चारा ने और जोड़ दीजिए। और हाँ 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 हाँ, इसके बाद क्या होने वाला है वो अब मैं फरमाता हूँ कि अगर वो आपके रक्स में शामिल हो जाए तो आठ आने में चार आने और मिला दिए जाएं। दरिंचे शक, दरिंचे शक। और अगर वो दीवानावार आपके साथ रक्स करती करती इस घर से बाहर निकल जाए तो समझ लीजिए कि पूरे सोलह हासिल हो गई। दरिंचे शक, दरिंचे शक, दरिंचे शक। ओ नो नो नो, ये असली है या बच्चों वाली पिस्तौल है? असली है क्या? चमन, उत्तम बाबू के इन दोस्तों को नहायत इज्जत और एहतराम ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो। जब तक हमें रुपया नहीं मिलेगा ये लोग जमानत के तौर पर हमारे मेहमान रहेंगे। बेशक बंद कर दीजिए। मीता आपके चुंगल से बचकर अपने घर पहुंच गई है, अब हमें कोई फिक्र नहीं है, हमारा फर्ज पूरा हो गया है। मीता, घर जाने के बदले तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मंदिर में। क्यों? अच्छन बाबू की कैद में जाने के बाद जब तुमसे मिलने की कोई उम्मीद न रही तो मैंने काली माँ से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पैर फिर से मुझे वापस मिल जाए तो हम दोनों पति पत्नी के रूप में माँ का आशीर्वाद लेने आएंगे। पति पत्नी के रूप में? हाँ उत्तम, आज माँ काली को साक्षी बनाकर तुम अपने हाथ से मेरे मांग में सिंदूर भर दो ताकि धर्म के नजर में हम दोनों गुनहगार न रहे। विवाहित स्त्री के मांग में सिंदूर भरने का अधिकार सिर्फ उसके पति को होता है। नीता, तुम ही तो मेरे पति हो उत्तम, आज माँ काली के सामने माला बदलकर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। काश ऐसा ही होता, पर तुम किसी की पत्नी हो मीता? मैं पत्नी तो हूँ मगर तुम्हारी नहीं। मीता नहीं, सुनो, तुम उस घर की खोई हुई बहू हो। तुम्हारी रूपा दीदी ने बताया है कि तुम वही मीता हो जिसकी शादी हो चुकी है सेठ जी के बेटे मोहन के साथ, और मैं वो मोहन नहीं हूं। अगर तुम वो मोहन नहीं तो मैं भी वो मीता नहीं। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, तुम जी नहीं सकते। अब तुम्हारे साथ जीना मेरे लिए गुनाह है और तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए भी एक गुनाह है। मीता, तुम किसी की अमानत हो। तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने पति के घर में उसकी इज्जत बनकर रहो, और मेरा फर्ज है तुम्हें वहां पहुंचाकर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर, बहुत दूर चला जाऊं। नहीं उत्तम, नहीं। अब मेरे दामन पर आंसू बहाकर न खुद गुनाहगार बनो न मुझे गुनाहगार बनाओ। चलो मीता, घर चलो। चलती हूँ मगर तुम यहां से चले मत जाना। मुझे जाना ही होगा, चलो। बहू रानी, उत्तम बाबू, उत्तम बाबू, आप लोग कहाँ चले गए थे? इन्हें माँ जी के पास ले जाओ कमला। मालकिन की तो आंखें पथरा गई है आपका रास्ता देखते देखते। मैं उन्हें अभी बुला लाती हूँ। उत्तम बाबू, आप यहाँ से जाना क्यों चाहते हैं? मैं इस घर को मंदिर और माँ जी और पिताजी को देवी देवता समझता हूँ, जिन्होंने हमें अपनाया, हम पर एहसान किए। मैं उनके एहसान का बदला गद्दारी से नहीं चुका सकता। गद्दारी? हाँ गद्दारी। इस घर की बहू से प्यार करके उनकी इज्जत से खेलना गद्दारी नहीं तो और क्या है? प्यार न सही, यूं भी तो आप यहाँ रह सकते हैं। कम से कम मैं दूर से आपको एक नजर देख तो लूंगी। ये ख्वाहिश तुम्हारे लिए पाप है मीता। ये दूर से देखने की तमन्ना दिल की आग को बुझाएगी नहीं बल्कि और भड़काएगी, और एक दिन इस आग में इस घर की दुनिया जलकर राख हो जाएगी। मगर आपके जाने से मेरे दिल की दुनिया जलकर राख हो जाएगी। मीता, मीता, मेरी बहू आई, मेरे मुंह की मीता। अब तो भगवान ने बरसों से बिछड़े मिला दिए, आप क्यों रोती होती? क्यों जा रहे हैं? मुझसे घुट गया तो आप मना लीजिए ना। तुम ही मना लो बहू, अब तो तुम्हारा भी इस घर पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा। मगर अब वो मेरी बात नहीं मानते। अच्छा, हम दोनों मिलकर मना लेंगे। अब तो मुस्कुरा दो, मुस्कुरा लो बहू। अगर तुम्हारी सगी माँ ने तुम्हें इस तरह मारा होता तो क्या तुम घर छोड़ के चले जाते?
नहीं माँ जी। तो फिर यही समझो ना, तुम्हें मैंने नहीं तुम्हारी माँ ने मारा है। तो फिर मैं तुम्हारी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है ये मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। बताओ ना बेटा, क्या बात है, तुम्हें मेरी कसम। बात यह है माँ जी कि मैं यहाँ रहते हुए आपकी बहुत दूर नहीं रह सकता। अगर यही बात है तो हम तुम्हारी शादी मीता से कर देंगे। माँ जी तुम कितनी अच्छी हो। मगर ऐसा नहीं हो सकता माँ जी। क्यों? मीता की तरह कल अगर आपका खोया हुआ मोहन मिल जाए तो अचिन का मामला खत्म होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। एक ख्वाब सा देखा था हमने, एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर तड़पाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। तुम मेरे ख्यालों खोकर, तुम मेरे ख्यालों में खोकर बर्बाद न करना जीवन को, बर्बाद न करना जीवन को। जब कोई सहेली बात तुम्हें समझाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। के सफर में तन्हाई, जीवन के सफर में तन्हाई, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। मरने की खबर है जान जिगर,
मिल जाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। साहब, मुझे आप ही का इंतजार था। ये अंधेरा क्यों है? अभी उजाला हो जाएगा। अचानक लाइट का फ्यूज खराब हो गया, आप आने वाले थे इसीलिए बिजली वाले को बुलाना मुनासिब नहीं समझा। गुड, वेरी गुड। आप बहुत दूरअंदेश मालूम होते हैं उत्तम बाबू। इजाजत हो तो मैं जरा लाइट का फ्यूज ठीक कर लूं, तब तक आप पैसे गिन लीजिए। हाँ, मुमकिन है आपने गलती से ज्यादा रख दी हूं, इसलिए गिन लेता हूँ। कमान चमन कमान। इस तरह छुप छुप कर कहां जा रही हैं? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? अपने आप को कानून के हवाले करने। मैं समझा नहीं। दुनिया की निगाहों में मैं आपकी चाचा की कातिल हूँ, मुझे मेरी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर पुलिस में जाना ही था तो पहले क्यों नहीं चली गई? पहले इसकी जरूरत नहीं थी, मेरे पास उत्तम बाबू का प्यार था, इस घर का सहारा था, माँ बाप की ममता थी, मुझे अपनी जिंदगी से लगाव था। तो अब क्या हो गया? अब ये सब कुछ मुझसे छीन चुका है। उत्तम बाबू सचमुच मुझे खूनी समझकर मुझसे नफरत करने लगे हैं, और मैं उनके प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकती। उत्तम बाबू और आपसे नफरत? मैं नहीं मान सकता। क्यों नहीं, राम ने भी तो सीता पे शक किया था, और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। मैं भी अपने आप को कानून के हवाले कर अपनी परीक्षा दूंगी, और अग्नि परीक्षा के बाद सीता को जिस तरह राम और उनका प्यार वापस मिला था, मुझे भी पूरा विश्वास है कि मैं पुलिस के हवाले होकर अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगी, और मुझे भी मेरा राम और उनका प्यार वापस मिल सकता है। भगवान के घर देर हो सकता है अच्युत बाबू, मगर अंधेर नहीं। बस मीता किसी हालत में भी पुलिस स्टेशन न जाने पाए, इंक्वायरी होगी, गवाह बुलवाए जाएंगे, पुलिस कड़े मुर्दे उखाड़ेगी, और ऐन मुमकिन है कि आप पकड़े जाएंगे। मीता देवी, मीता देवी, अगर मैं आपकी तरफ से उत्तम बाबू का दिल साफ कर दूं तो? ये आपसे नहीं होगा। जिस सच को आपने बार बार दोहराकर झूठ बनाया है, उसे आप कैसे झुटलाएंगे? जो झूठ को सच बना सकता है उसे झुटला भी सकता है। आप जाकर उत्तम बाबू को एक दफा मेरे पास भेज दीजिए। मैं उनका जवाब जानती हूँ अच्युत बाबू। अगर आप पुलिस में जाना चाहती हैं तो जरूर जाइए, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार उत्तम बाबू से बात करने का मौका तो दीजिए। अच्छा, अगर आप जिद करते हैं तो मैं उन्हें बुला देती हूँ। फरमाइए अचिन साहब, प्यार इतनी जल्दी नफरत में बदल सकता है ये मुझे नहीं मालूम था। मेरे जख्मों पर नमक न छिड़क अचिन साहब, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। नीता खूनी, इसलिए आप बदल गए हैं? ये मेरा जाती मामला है, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। आप अपने पैसे लीजिए और तशरीफ ले जाइए। और अगर मैं ये कहूं कि मीता ने खून नहीं किया तो मैं कहूंगा कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर मीता ने खून नहीं किया तो वो सारे सबूत आपको कैसे मिले? सबूत?
सबूत मिले नहीं, पैदा किए गए। मेरे मरहूम चचा मेरी हरकतों से बहुत नाराज थे और वो मुझे अपनी दौलत से बेदखल करके अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट में देने का फैसला कर चुके थे। इस फैसले की रूह से मुझे सिर्फ 500 रुपए महीना मिलते, लेकिन मेरी नजर उनके 15 लाख रुपए पर थी। मैं इसी सोच में था कि एक दिन कुदरत ने मीता को रहमत का फरिश्ता बनाकर हमारे यहां भेज दिया। वो नौकरी की तलाश में आई थी और मेरे चाचा ने उसे दूसरे दिन आने के लिए कहा। मेरे लिए मैदान साफ हो गया और इससे पहले कि मेरे चाचा मुझे अपनी दौलत से बेदखल करके कानून का छुरा मेरी पीठ में भोंक दे, मैंने उनकी पीठ में अच्छी छुरा रख दिया। ये जाहिर था कि अपने चाचा का वारिस होने के नाते पुलिस मुझ पर शक करेगी, लेकिन मैंने फांसी के फंदे से अपनी गर्दन बचाने के लिए एक दूसरी गर्दन का इंतजाम कर लिया। पुलिस नहीं जानती कि जिसे वो खूनी समझ रही है उसके मौका वारदात पर पहुंचने से पहले ही खून हो चुका था। मीता मेरे जाल में फंस गई। जमा सबूत नंबर एक। जैसे ही मीता मेरे चाचा के दफ्तर में दाखिल हुई, मैंने दूसरे कमरे से फोन किया। मैं जानता था कि वो टेलीफोन उठाएगी और रिसीवर पर उसकी उंगलियों के निशान आ जाएंगे। ऐसे ही सबूत नंबर दो। मुझे यकीन था कि मीता घबराहट से मेरे चचा के पीठ पर घुटे हुए छुरे की तरफ हाथ बढ़ाएगी, कैमरा खींचा, फोटो ले ली गई। सबूत नंबर तीन। मैंने नहायत हमदर्दी से मीता का हाथ साफ करने के बहाने उसकी खून आलूदा उंगलियों के निशान अपने रुमाल पर ले लिया। चला गोली, चला दे क्यों नहीं? मैं तो मर जाऊंगा लेकिन उत्तम को अपने साथ लेकर मरूंगा। इंस्पेक्टर साहब, गोली कोई मत चलाए, इनसे कहिए कोई गोली मत चलाए। गोली कोई ना चलाए। कार लड़की और तुम, मैं दांत देता हूं तुम्हारे एक्टिंग की। लड़की, तुमने मेरे कफन का तो पूरा पूरा इंतजाम कर लिया है, लेकिन इसके साथ तुम्हारी मोहब्बत का जनाजा भी उठेगा। मां जी, इन्हें बचा लीजिए। उत्तम बाबू, अच्छन से बाजी जीतना कोई खाला जी का घर नहीं है। उत्तम, तुम मुझे इस मकान के बाहर ले चलो, मैं बाहर निकलकर तुमसे हिसाब कर लूंगा। चलो। चलो या यही हिसाब चुका दूं। चलो। ये मेरे बेटे को मार डालेगा। बाबू, अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए ना। बाबू, बेटा बेटा मत। उत्तम, उत्तम, तू कहाँ है बेटा? मैं आपके पास हूँ। घबराइए नहीं, आपको आराम की जरूरत है, आराम कीजिए। बेटा, मैं तो सदा के लिए आराम करने वाला हूँ,
मगर दिल पर एक बोझ लेकर नहीं मर सकता। बापू उत्तम मैं तेरा बाप नहीं। बापू मुझे अपनी बाहों में थाम लो बेटा, अपनी बाहों में थाम लो। विश्वास करो बेटा, फिर भी मैंने तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा समझा। मैंने तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दिया, क्योंकि भगवान ने मेरा सब कुछ जीत कर तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया। मैं अभी आगे के पास हूँ बापू, मगर आप पहले अच्छे तो हो जाइए। एक युग बीत जाने के बाद मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे ये कल की बात हो। आसाम के तूफान में तू मेरे टूटे हुए दिल की ढारस बनकर आया, और अपने माँ बाप को भूल कर अपनी तोतली बोली में मुझे बापू कहकर पुकारने लगा और मेरा मन मोह लिया। बस उसी मोह प्यार ने मेरे होंठ सी दिए। मैंने तुझे नन्हे मुन्ने दूल्हा के रूप में पाया। मैं चाहता था जवानी में भी तुझे दूल्हा के रूप में देखूं। ये तस्वीर देखिए, यही है ना बचपन का उत्तम। भगवान के लिए बाबू पर रहम कीजिए, आप लोगों को तो सब कुछ मिल गया है, मगर मेरा तो यही एक सहारा है। बापू देखिए, इस तस्वीर को देखिए, पहचानिए और कोशिश कीजिए। यही है ना उत्तम, यही है ना उत्तम। नवतम का बचपन की तस्वीर देखिए। उत्तम उत्तम बाबू 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 मोहन बेटा, मोहन मोहन बेटा, मोहन। धीरज रखो बेटा, ऐसे महान आत्मा दूसरों को अंधेरे से निकालने के लिए जन्म लेते हैं, कभी राम के रूप में, कभी ईसा के रूप में, और कभी बापू के रूप में। माँ, राम के लौटने पर अयोध्या में 14 साल के बाद दिवाली आई थी, आज हमारे घर में भी 14 साल के बाद दिवाली आई है। हमें तो एक जोड़ी की तलाश थी, दोनों मिल गई। क्या
कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर।